हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल जायका आपका और हमारा में। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू से बनने वाली बहुत ही चटपटी चाट, हरी आलू या हरी धनिया की आलू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी हरी चटनी बनानी होगी, तो आइए बनाते हैं। हम हरी धनिया की चटनी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हरी धनिया चाहिए। तो एक बोल के करीब हरी धनिया मैंने ली है। इसमें 2 से 4 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून पिसी अमचूर, थोड़ी सी अदरक और 8 से 10 कली लहसुन की और 1 टीस्पून के करीब नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। हरी धनिया को सबसे पहले खूब अच्छे से धोकर हम साफ कर लेंगे। फिर नींबू को छोड़कर बाकी सारा सामान एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। अब चटनी को हमने पीस लिया है। इसको पीसने में 2-3 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी है मुझे। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब नींबू मिला देंगे। चटनी में नमक मैंने डली वाला मिलाया है, आपके पास जो हो वो मिला सकते हैं। डली वाला नमक डालने से या सेंधा नमक डालने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है और हमारी चटनी काफ़ी समय तक खड़ी होती है। हरी आलू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। इनको छोटी छोटी पीस में काट लिया है। अब इसमें हम 2 स्पून के करीब चटनी डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा भुना पिसा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दही को फेंट कर 2 चम्मच के करीब मिलाएंगे। दही से हमारा टेस्ट तो अच्छा होता ही है, इसमें एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। से मिक्स हो गया है और हमारी चाट तैयार है। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे और हमारे घर में उबले हुए आलू रखे हैं तो बस ये झट से बनकर तैयार हो जाती है। बस अब इसको हम सर्व करेंगे। बस इसके ऊपर से थोड़ी सी भुजिया डालिए। थोड़ी सी भुजिया, काफी धनिया डाल दीजिए। बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब हमारी चाट बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इसे हम चाट के रूप में भी बना सकते हैं और इसे सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार इसे आप ज़रूर बनाइए और आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।